मिनट। तौबा 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 तौबा, शर्मो हया तो बिल्कुल ही उठ गई है। घरों में सख्ती नहीं है और तरबियत का तो फुकदान है बिल्कुल। तरबियत नाम की तो चीज ही कोई नहीं। क्या हो गया आज? किस पे गुस्सा आ रहा है आपको? खुद पे आ रहा है। क्या कर सकते हैं, देखकर अपना ही दिल जला सकते हैं ना, और क्या किया जा सकता है। यानी तुम अंदाजा लगाओ, मोहल्ले की लड़की बीच चौराहे केबल वाले लड़के के साथ गुफ्तगू कर रही है। कोई एहसास नहीं है, कोई ख्याल नहीं है कि भाई पुराना मोहल्ला है, कोई देख लेगा। कौन लड़की? पता नहीं, शक्ल तो नहीं देखी मैंने, लेकिन थी इसी मोहल्ले की, इतना मैं जानता हूं। देखो हंस हंस के लड़कों के साथ बातें हो रही हैं, माँ बाप घर में आंखें बंद करके पड़े हैं, बच्चों को आजादी दे रखी है, जाओ घूमो फिरो। तुम कहाँ थी? ऊपर थी छत पे? वो इफ्रा गई हुई थी कब से छत पे। इसको तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही भेजा, जाके उसे बुला के लाओ। नहीं नहीं अब्बा, इफ्रा बाजी कपड़े धो रही थी तो बस वो ही फैलाने गई थी ऊपर। अच्छा अच्छा, चाय बना के लाओ अब्बा के लिए, ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। इफ्रा को बुलाओ जरा, उसको कहो मैं बुला रहा हूँ, मेरे कमरे में आए। तुमसे कहा था ना, इस घर में रहना है तो यहां के कायदे और उसूलों पे अमल करना पड़ेगा। यहां इजाजत नहीं है कि तुम गेट पे खड़ी होकर गली में छांकती रहो, और ना ही छत पे खड़े होने की इजाजत है। पाबंदी है इस चीज पर, और मेरी बेटियों ने इन पाबंदियों का भी ख्याल रखा है। वो तुम्हारी तरह आजाद ख्याल नहीं है। कपड़े फैलाने गई थी। कोई बहानेबाजी करने की जरूरत नहीं है, और ना ही मैं यकीन करूंगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश किस तरह से की होगी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी बेटियों को बिगाड़ने की गलती मत करना, जाओ अब। और सुनो, आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। नहीं आज कुछ औरतें आ रही हैं तुम्हें देखने के लिए। सब कुछ तमीज और कायदे में होना चाहिए। नहीं तेरा कोई नहीं, तू रोना नहीं।